अयोध्या जो है आने वाले भविष्य में जो है नंबर वन टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है पूरे विश्व भर में, तो क्या यह सही है? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भूमि है, पवित्र भूमि, जन्मभूमि, जिसके लिए 500 वर्षों से हिंदू सनातन धर्म में सभी जिन्होंने संघर्ष करके जो है भगवान श्री रामचंद्र को वहाँ स्थापित किया है, केस लड़के, धार्मिकता से, संविधान द्वारा और धर्म के आधार पर, रीति के आधार पर, राजनीति के आधार पर, कानून के आधार, सभी प्रकार से जो हिंदुओं ने इस पर जीत प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी को पुनः उनके जन्मभूमि में, उनके जन्म स्थान में जो है पुनः स्थापित कर ही लिया है। तो मंदिर वही बनाएंगे के बाद मंदिर वही बनाया जा रहा है, मंदिर वही बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा भी जो है उसकी की जा चुकी है, की जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मंदिर के जो प्रतीक्षा था 500 वर्ष से, वो जो है पुनः स्थापित हो चुका है। तो हम जो है इस पर ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अयोध्या का जो मंदिर है, अयोध्या जो है नंबर वन टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा कुछ समय में। तो आने वाले 5 वर्षों में भारत में नंबर वन तो होगा, लेकिन विश्व में जो है सनातन धर्म के धरोहर के रूप में, सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में, इसका जो है भव्य जो है व्यापारिक रूप से कहे या फिर टूरिस्ट प्लेस के रूप में कहे, तो ये जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। धार्मिक स्थल के रूप में अगर हम कहा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पावन भूमि अयोध्या है, वो सदैव सनातन धर्म में जो सप्तपुरियों में से एक अयोध्या पुरी रही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर जो लोगों के मन में आस्था, उसके लिए जो है यहाँ पे लोग अवश्य जाते हैं। लेकिन जहाँ जब से भगवान श्री रामचंद्र का राम मंदिर बना है, जैसे कि आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि महाकाल लोग जब से उज्जैन में बना है, तब से लोगों का जो है वहाँ जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसमें जो पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा जो है निर्माण करा करके भगवान शिव के जो मंदिर का जो भव्यता का और भी ज़्यादा उसमें जो है बढ़ावा कर दिया है। इस प्रकार से जो है अयोध्या में जब रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है, इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी बूस्ट होगा और टूरिस्ट प्लेस के रूप में यहाँ बहुत ज़्यादा जो है जनसंख्या में लोग आएंगे और श्री राम लला की जो है दर्शन करेंगे मंदिर के जो है उसमें, बहुत सारे लोग जो है आते रहेंगे और ये जो है नंबर वन टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा कुछ समय बाद। तो जो पेरिस की बात करते हैं, जो सात अजूबों की बात करते हैं, जो ताजमहल की बात करते हैं, द सो कॉल्ड सिंबल ऑफ लव, प्रेम की निशानी जिसे कहते हैं, तो अब से जो है अयोध्या श्री राम लला की जो है जन्मभूमि, श्री राम लला की जो मंदिर है, वो जो है प्रेम के सिंबल के रूप में जाना जाएगा, जैसे कि राम सेतु जाना जाता है। उसी प्रकार से जो है भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए विदेश से भर भर के लोग आएंगे और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप को जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत करेगा। तो जितनी लोकप्रियता तीर्थ स्थलों में आज केदारनाथ, अमरनाथ की हो जा रही है, जितनी आज लोकप्रियता उज्जैन के महाकाल, महाकाल कॉरिडोर के नाम से बढ़ रही है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देखिएगा आप कि सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान के रूप में ताजमहल नहीं अयोध्या का राम मंदिर जाना जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर योगी जी अगर आ गए पीएम के रूप में, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो राम को लाया है वो उनको लाएंगे वाला जो बात है वो बहुत ज़्यादा जो है 2024 के चुनाव में आने वाला है ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप भी देखेंगे, क्योंकि जो बीजेपी है वो जो है बहुत ज़्यादा हिंदू समर्थक पार्टी बनती जा रही है। तो ये तो हमारा ऑफ द टॉपिक चले गया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जो टूरिस्ट प्लेस जो बनता जा रहा है, जो धार्मिक स्थल बनेगा अयोध्या में, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके भी आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है लोकप्रिय जो है तो पर्यटन स्थल के रूप में इसको जाना जाएगा। जहाँ पे जो है पेरिस और फ्रांस जो बड़े बड़े जगह होते हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, अब से भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करके वो जो है अपने विवाह की शुरुआत करेंगे, अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का बनना जो है एक बहुत बड़ी जो है ख्याति प्राप्ति है, क्योंकि हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने जाएंगे? क्या आप जो है अयोध्या जाएंगे? कभी आप अयोध्या गए हैं? क्या आप कैसे क्या कहते हैं? कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।